Right now, we are with Shri Munjal Dalal of Gujarat Cotton Corporation, one of the leading exporters of cotton in India. He has been one of the prominent exporters of Indian cotton to Bangladesh and other importing countries. Welcome, Munjal bhai. Yeah, ekdam fine. So, Munjal bhai, abhi 2018-19 ke season ka first quarter ho chuka hai. Yes. Ab January 2019 mein hai, hum log bahut ummeedon se is साल की शुरुआत के लिए रुके हैं कि तेजी कब आएगी रूम में, तो आपका क्या व्यू है? सी, कॉटन के अंदर तेजी आना ये टाइम पे अभी बहुत मुश्किल है. ओके. क्योंकि अभी पूरा कॉटन प्राइसेस इंटरनेशनल प्राइसेस के ऊपर डिपेंड करता है. राइट. और ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, वर्ल्ड वाइड पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है. राइट. तो इसके चलते अभी तेजी आना अभी नहीं कह सकते. ये प्राइस और भी नीचे जा सकता है. अच्छा, इस लेवल से? इस लेवल से और भी नीचे जा सकता है. ओके. क्योंकि अभी इंडियन कॉटन प्राइस वर्ल्ड में इंडियन कॉटन प्राइस का सबसे महंगा कॉटन है अभी वर्ल्ड के अंदर क्वालिटी के चलते. तो अभी उसमें तेजी निकालना अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. अभी बांग्लादेश, चाइना कहीं से डिमांड नहीं आ रहा है. ओके. तो इंडिया का कॉटन अभी इंडियन मिल्स के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है. मर्चेंट अभी कोई बाइंग में नहीं है. मर्चेंट्स इंडियन कॉटन में अभी मर्चेंट सबसे चीप प्राइस सेलर है. राइट. तो हमारे पास भी कोई डिमांड है नहीं. तो वी हैव टू वेट. इफ आइस गोज अप देन ओनली वी कैन गेट द सम चांस. ओके. बट आइस इज गोइंग डाउन एंड डाउन. या आइस इज गोइंग डाउन एंड डाउन. तो अभी इंडियन कॉटन थोड़ा कंफ्यूजिंग है. ये लेवल पे बाइंग कॉल भी नहीं ले सकते और एज ए एक्सपोर्टर सेलिंग करना भी मुश्किल है और बाइंग करना भी मुश्किल है. राइट.